हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है, बेसिकली यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और BPCL के अंदर जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है, वो आपका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यदि आप फ्रेशर हो तो आप यहां पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है एंड यहां पे कौन कौन से पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें बता दे रहा हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का यहां पर टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, यहां पे जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। यदि आपने BBTech कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आपका पास आउट ईयर 2024 का है, मतलब 2024 में आप पास आउट हो चुके हैं और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहां पे जो ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। सैलरी जो रहेगा ₹25,000 पर महीने के हिसाब से आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन जो फीस रखा है मात्र ₹0, मतलब कि ₹1 भी आपको पे नहीं करना है। तो ये बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका अप्लाई प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमारी वेबसाइट www.naukriwala.com का लिंक दे रखा है। गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आपको वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। टॉप पे आपको टॉप जॉब रोल देखने को मिलेंगे, स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपसे बात कैसे करें, हमारा डाउट है, कुछ भी है, तो यहां पर मैंने आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अब मान लेते हैं कि आप टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे बात करना चाहता है तो टेलीग्राम वाले आइकन पे क्लिक करना है। बट आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होना चाहिए, उस पर आईडी होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वाले आइकन पे क्लिक करिएगा और ऐसे ही आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर टॉप आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग वैकेंसी मिलेगी। जैसे कि यहां पर जिन बच्चों ने BBTech कर रखा है तो उनके लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोगों के लिए वैकेंसी है, वैसे IT कर रखा है और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये सारी वैकेंसी है। एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप अगर अप्रेंटिसशिप ढूंढ रहे हैं या फिर कोई इंटरमीडिएट कर रखा है, रिजल्ट देख रहे हैं, एडमिट कार्ड देख रहे हैं, तो आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग आपको सारी वैकेंसी मिल जाएगी। और अभी जो वैकेंसी निकाली है वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि BBTech वालों के लिए वैकेंसी है, तो आपको जो सेक्शन में मिलेगा, आपको BBTech के सेक्शन में वैकेंसी मिलेगी। तो यहां पे आएंगे BPCL कोची रिफाइनरी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट फॉर BTech स्टूडेंट 2024, तो आपको इस पर क्लिक करना है, BTech वाले सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो आपके सामने ये टैब ओपन होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, BPCL की खास बात क्या है, BPCL स्टाइपेंड बहुत बढ़िया देते हैं, मतलब कि पर महीने का जो स्टाइपेंड रहता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर, वो ₹25,000 पर महीने के हिसाब से मिलता है। ये एक सैलरी के टाइप होता है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिलेगा। BPCL जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरे एक साल तक काम करेंगे, पूरे 12 महीने तक काम करेंगे। और अगर आप यहां से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो फायदा कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप BPCL से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उस अप्रेंटिसशिप को आप अपने रिज्यूमे में एज ए एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। अब कैसे शो करेंगे, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है, तो आप उस कंपनी में अगर अप्लाई करेंगे और आपने BPCL से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो और BPCL खुद एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है, तो वहां पर BPCL का जो अप्रेंटिसशिप है
वो एज एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके अंदर बी बी टेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे डिटेल दे रखा है कंपनी का, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है और इसके अंदर एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और इसके अंदर कोची केरला आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, मतलब कि वहां पे आपको जाना पड़ेगा और रिलोकेट होके काम करना पड़ेगा। 25,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको स्टाइपेंड यहां पे दिया जाने वाला है। ऑनलाइन रहेगा अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट रहेगा, ये जो लास्ट डेट इसका रहेगा जैसे कि नोटिफिकेशन जो आउट किया गया है उसके 25 दिन के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर हम जाने कि आपके परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेंगे, पहली बात आपने बीबीटेक किया होना चाहिए, जो बच्चे 2024 के अंदर पास आउट हो चुके हैं वो भी यहां पे एलिजिबल है और उनके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए फॉर ए जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, और एसएसटी कैंडिडेट के लिए 50% का क्राइटेरिया यहां पे होना चाहिए। अगर आपका पास आउट है 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का है तो आप यहां पे एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया जो रहेगा 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, तो अगर आपने केमिकल में किया है तो 70 वैकेंसी है, सिविल में बीटेक कर रखा है तो 15 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 10 वैकेंसी है, सेफ्टी में कर रखा है या फिर फायर एंड सेफ्टी से भी बीटेक किया है तो 18 वैकेंसी है, मैकेनिकल से कर रखा है तो 40 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है तो 10 वैकेंसी है, मेटलर्जी से कर रखा है तो 2 वैकेंसी है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एमएचआरडी नेट्स पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका नेट्स 2.0 पोर्टल है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। जैसे कि यहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन लिंक दे रखा है और ये आपका अप्लाई लिंक है, ट्रेनिंग का लोकेशन दे दिया है और सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा इसका, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कभी कभी इंटरव्यू भी ले लेते हैं, तो इसका प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट यहां पे एडिशनल डिटेल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है और मैंने इसका लिंक भी दे रखा है नोटिफिकेशन का, तो चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप हाउ टू अप्लाई में आएंगे, अप्लाई एप्लीकेशन लिंक की जगह आपको नोटिफिकेशन लिंक मिलेगा और यहां आपका नीचे नोटिफिकेशन लिंक दे रखा है, ऊपर अप्लाई लिंक दे रखा है, तो यहां पे हम क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन लिंक पे, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और यहां पे स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हैं तो यहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है जिसके अंदर पास आउट है 2020, 21, 22, 23 और 24, यहां पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहां पे पूरा डिटेल में दे रखा है, 177 ये वैकेंसी है, ये सारी ब्रांच अभी हमने देख ली थी। अप्लाई का प्रोसेस यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन लिंक दे रखा है बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है, नेट्स 2.0 पोर्टल यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे 3 ऑप्शन है, स्टूडेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है और इंस्टीट्यूट है। तो आप अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, वापस से न्यू टैब ओपन होगा। अब यहां पे क्या करना है, आपने नेट्स 2.0 पे रजिस्टर पहले कर लिया होगा आई होप, तो आपको यहां पे स्टूडेंट लॉगिन वाला बटन दे रखा है, जैसे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट नंबर के अंदर बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी डाल सकते हैं और डायरेक्टली आपको सर्च कर लेना है, वहां पे डायरेक्टली वैकेंसी आएगी तो उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे स्टूडेंट रजिस्टर का बटन है, आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नेट्स 2.0 के अंदर। तो यहां पे टैब ओपन होगा और यहां पे बोलेगा कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपके पास होने जरूरी है, और क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको यस कर देना है। यस करेंगे, वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा यहां पे इनरोल स्टूडेंट का, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहां पे आपको डाल देना है, उसके बाद यहां पे जो सेंड ओटीपी का बटन है इस पे क्लिक करके आपको ओटीपी आपके मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद वहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आएगा, उस एस्टेब्लिशमेंट वाले ऑप्शन पे आपको सर्च करना है बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी,
आप सर्च करेंगे तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे अप्लाई का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि नोटिफिकेशन अभी 2-3 दिन पहले आया है, उसके 25 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, सारी जगह आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।